जैसे हमने जाना कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स काफी कॉमन होती है टीनेज गर्ल्स में या फिर मेनोपॉज के बाद भी. सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो मेरे दिमाग में भी है, जैसे कि जो ब्लीडिंग होती है, जो जो हमारी महावारी होती है, जो पीरियड्स होते हैं एवरी मंथ, सो व्हाट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्लीडिंग? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सभी को मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ. सबसे पहले तो ये है कि एवरेज हमारी आजकल की सोसाइटी में एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है. मतलब सातवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में ज्यादातर लड़कियों की मासिक धर्म शुरू हो जाता है. और शुरू शुरू में कभी कभी ये पीरियड्स थोड़े थोड़े जल्दी भी हो सकते हैं और थोड़े थोड़े दिन में भी हो सकते हैं. बट अगर शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डॉक्टर को जैसे ही पीरियड शुरू हो या उसके एक साल में या दो साल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. जैसे किसी को ज्यादा आते हैं तो ये बताता है कि किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है. उस समय आपको जाना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर देर में भी आ रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं या बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी नीचे का रास्ता पूरी तरह से बना नहीं होता. तो जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में भी मतलब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि उसमें यूट्रस में ब्लीडिंग जमा होने शुरू हो जाती है. तो कोई भी परेशानी अगर शुरुआत में हो रही है तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो. और बाद में जो नॉर्मल साइकिल है वो एक्चुअली एग्जैक्टली सबकी एवरेज सेम नहीं होती है. कई लोगों का पीरियड जो है, जैसे कि 28 से 30 दिन का एक महीना होता है, सारे ही लोगों का इतना का नहीं होता. किसी का 28 से कम दिन का भी हो सकता है और किसी का 30 डेज से ज्यादा का भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है. और अगर आपको ये इस तरीके से, मतलब 21 से लेके 35 दिन का जो टाइम है उसको हम ज्यादातर मानते हैं कि ये एक नॉर्मल में रेंज में आ रहा है, अगर आपको उससे जल्दी हो रहा है या फिर 35 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. पीरियड्स में दर्द भी थोड़ा थोड़ा होता ही है, और वो स्पाज्मोटिक पेन होता है जो यूट्रस से ब्लड को बाहर करने के लिए हमारी बॉडी मसल्स करती हैं, तो वो थोड़ा नॉर्मल होता है. और उसके लिए अगर आपको लगता है कि उस पेन से आपकी डेली एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही हैं, अगर बच्चा या फिर अगर गृहिणी है वो अपना काम नहीं कर पा रही, घर का काम नहीं कर पा रही है, या ऑफिस में जाती है वो काम नहीं कर पाती है, उसे इफेक्ट होती है वो चीज़, या फिर दवाई लेनी पड़ती है उसको, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल है और उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए देखने के लिए कि क्यों इतना दर्द है. उसके लिए भी कई सारे डिजीजेस या होती हैं जिसको हम पता लगाते हैं. और आजकल जैसे मैंने बोला कि ज्यादा दिन भी हो सकते हैं उसको, वो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है और यूट्रस से रिलेटेड ट्यूब भी, फाइब्रॉइड या कुछ कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इस नॉर्मल टाइम से ज्यादा का हो तो.